तो मैंने बोला आवाज के बराबर अगर गौतम बुद्ध इनके अंग में से भाग जाते हैं तो वो गौतम बुद्ध नहीं है, वो ईश्वर हो सकता है। किसी के अंग में अगर ईश्वर आता है और मैं जोर से चिल्लाता हूं तो ईश्वर पीछे पांव लगाकर भाग जाएगा। और मैं फिर भंती जी को बोला कि भंती जी ये क्या है, ये अवडंबर जो है, ये अवडंबर धर्म में हो सकता है, अवडंबर धम्म में नहीं हो सकता। धम्म में इसलिए नहीं हो सकता कि धम्म का केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मनुष्य है और नीतिमत्ता है, मॉरल वैल्यूज एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने ये भी देखा है कि कुछ भिक्षु क्या करते हैं, लोग जाते हैं उनके पांव पड़ते हैं, कुछ अपनी समस्या बताते हैं, तो भिक्षु क्या करते हैं, एक प्याले में पानी बुलाते हैं और ये पी लो बोलते हैं, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये धर्म में हो सकता है, धम्म में नहीं। तो इसका मतलब यही है, ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। ये हो सकता है धर्म में, धर्म में अवडंबर हो सकता है, धर्म में ढोंग हो सकता है, धर्म में झूठ हो सकता है, धम्म में ये नहीं हो सकता, इसलिए कि धम्म बुद्धि प्रामाण्यवादी है, विज्ञानवादी है। इसका मतलब यही है कि धम्म का स्वीकार करने के पहले जिस धर्म में हम थे उसके जो संस्कार हम पर हुए हैं, पीढ़ी न पीढ़ी जो चलते आए हैं, वो संस्कार हम अगर त्याग नहीं सकते, क्यों नहीं त्याग सकते, तो मन परिवर्तन नहीं हुआ, विचार परिवर्तन नहीं हुआ। और जब तक के मन परिवर्तन नहीं होगा, मानसिकता का परिवर्तन नहीं होगा, विचार का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक के धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। मैं यह भी देखता हूं कि हमारे कई सारे लोगों ने धम्म का तो स्वीकार किया मगर धम्म संस्कृति का स्वीकार वे आज तक के नहीं कर सके। कई लोग मुझे पूछते हैं कि धम्म संस्कृति क्या होती है, बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैंने पहले कह दिया है कि यह मेरा इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि मैं 4 घंटे बोल सकता हूं और सब प्रमाण बोल सकता हूं। संस्कृति का सबसे मौल्यवान हिस्सा अगर कौन है तो अपनी महिला है। संस्कृति की सबसे मौल्यवान अगर कोई है तो अपनी महिला है, इसलिए कि मानवीय संस्कृति की सारी चीजें इस महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। और संस्कृति पूरे दुनिया में हिंदू धर्म एक धर्म ऐसा है, हिंदू संस्कृति एक संस्कृति ऐसी है कि जहां के महिलाओं के बदन पर जो भी आभूषण है वो आभूषण है, खास करके माथे पे बिंदी होती है, अन्य धर्मों में आपको दिखेगी नहीं। हाथ में कंगन होते हैं, पांव में क्या बोलते हैं उसको, हमारे मराठी में पंजे, हाँ पैजन नहीं, वो खास करके वो बिच्छू जोड़ा वो होता है, नाक में नथ होती है और गले में मंगलसूत्र होता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे के सारे आभूषण, सारे के सारे लक्षण गुलामी के हैं। आर्यों ने इस देश के मूल निवासियों को पर आक्रमण करने के बाद मूल निवासी भारतीयों को, भारतीयों का पराभव हुआ, उनके मर्दों को मारा गया, आक्रमणकारी आर्यों ने अपने साथ महिलाएं नहीं लाई थी और दुनिया का कोई आक्रमणकारी अपनी महिला साथ में नहीं ले जाता, ये मानवीय इतिहास है। तो मूल निवासी भारतीयों को मारने के बाद उनकी पत्नियों को इन्होंने गुलाम बनाया और मारे हुए पति का लाल खून उसके भाल प्रदेश पर लगाया और कहा कि ये ऐसा ही रहने दो ताकि तू मेरी दासी है, गुलाम है, ये मैं पहचान सकूं, और इसीलिए बिंदी का रंग लाल होता है। अब फैशन के कारण किसी भी तरह की बंदी लगा देती है वो बात अलग है। ये आक्रमणकारी आर्यों का जो वाहन था वो तो घोड़ा था, ऊंट था, ये घोड़ा और ऊंट अपने देश से नहीं है। मूल निवासी भारतीयों का वाहन था वो बैल था, गाय थी, भैंस थी, इस प्रकार के जानवर थे। और आप अगर गौर से देखें तो ये ऊंट को और घोड़े को कब्जे में रखने के लिए क्या किया जाता है,
नाक में नथनी डाली जाती है और उसको एक फिर रस्सी बांध के खूंटे को बांध दिया जाता है। पांव में लोहे का कंगन होता है, उसको रस्सी बांध के खूंटे को बांध दिया जाता है। ये घोड़े को और ऊंट को कब्जे में रखने के लिए जिसका वापर किया गया, वही वापर इस महिलाओं को कब्जे में रखने के लिए किया गया है। इस ऊंट और घोड़े के नाक की जो नथनी है, इसकी बेसर बन गई, नथ बन गई और इनके नाक में डाल दी। पांव में जो लोहे का वो कड़ा होता था, उसको मिनी कर दिया और उसके पांव की उंगली में डाल दिया। अब रही बात मंगलसूत्र की, जरा जोर से आवाज देना, मेरा सवाल बहुत इजी है। मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल का अर्थ शुभ्र होता है, धवल होता है, सफेद, व्हाइट, पवित्र होता है। पवित्र का रंग अगर सफेद होता है, मंगल का रंग अगर सफेद होता है, तो फिर मंगल सूत्र इसका रंग काला कैसे हुआ? जरा सोचिए, हम विचार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का मतलब विचार परिवर्तन होता है। अगर विचार परिवर्तन है तो इस बात पर गौर कीजिए कि काला रंग निषेध का रंग है और पवित्रता का रंग है सफेद, तो फिर यह मंगल सूत्र काला कैसे हुआ? अच्छा, मूल रूप से वैदिक वांग्मय में भी जो विवाह सूत्र है, वो विवाह सूत्र में भी क्या लिखा है वो भी आप पढ़िए। हमारे धम्म में जो विवाह सूत्र है उसमें भी क्या लिखा है पढ़िए। आग के इर्द गिर्द वो पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी अपने अंगूठे को सफेद धागा बांधते थे और उसमें भी महिला आगे होती थी, पुरुष पीछे होता था। यानी नवरी आगे होती, दुल्हन आगे होती थी और दूल्हा पीछे होता था। उनके अंगूठे को एक सफेद धागा बांधा जाता था और फिर वो आग के घूमने के बाद, प्रतिज्ञा लेने के बाद, वो जो सफेद धागा है वो दोनों के गले में डाल दिया जाता था और वो सफेद जो धागा था वो मरे तक के दोनों को अपने गले में रखना पड़ता था, इसलिए कि ये विवाहित है, ये पहचाना जाए। फिर ये काला कैसे हुआ? ये तो आक्रमणकारी थे। ये आक्रमणकारियों ने इनके गले में जो काला मंगलसूत्र बांधा वो क्या है? तो ये घोड़ा और ऊंट था, उनके गले में जो रस्सियां डाली जाती थी वो ऊल से बनती थी, लोकर, वो ऊल से बनती थी और उसका रंग काली मेंढिया जो होती है, काली मेंढियों से जो रस्सी बनती है, उधर नारियल की रस्सी नहीं बनती जहां से ये कॉकेशन पर्वत से आए हुए लोग हैं। वो काले रंग की वो रस्सी मंगलसूत्र के नाम पर ये गुलाम दासी जिसको बनाया उसके गले में डाल दिया और कालांतर में उसका ही मंगलसूत्र बन गया। मैंने मेरे जीवन साथी को कोर्ट मैरिज करने के बाद बताया, वो तो बड़ी सजधज के आई थी मायके से। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन तो ठीक है, आप आ गई है और ये जो दिख रहा है इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं, अगर समझ में आता है तो क्या करना क्या नहीं करना सोचना। और उसको मैंने गुलामी का पूरा इतिहास जैसे बता दिया, उसी वक्त उसने निकाल के फेंक दिया कि नहीं रे बाबा, एक आजाद मानसिकता के, एक आजाद विचार के, पूरी तरह से जो स्वतंत्रता का कड़वा समर्थक है उसके साथ अगर मुझे संसार करना है तो उसकी मैं जीवन साथी हूं, उसकी मैं मित्र हूं, उसकी मैं पत्नी नहीं हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? पति का मतलब क्या होता है? कभी सोचा आपने? पत्नी का मतलब होता है पतनी, पुरुषों का पतन करने वाली। और पति का मतलब क्या होता है? महिलाओं की पत बढ़ाने वाला। शब्दों का निर्माण भी कैसे होता है देखिए आप। इसीलिए मैं कभी ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ऐसा उल्लेख कभी नहीं करता। कोई भी बताए, प्रजी जी से पूछे, हम तो रात दिन साथ में रहते हैं नागपुर शहर के अंदर, कोई नहीं बोलेगा। मैं जीवन साथी कहता हूं, मैं मेरी मित्र कहता हूं और 27 साल हो गए उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे, किसी भी प्रकार का गुलामी का आभूषण उसके बदन पे नहीं है। यह धम्म संस्कृति है,
यह धम्म संस्कृति है। धम्म संस्कृति ने कहा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हिंदुत्व नाम का जो आइडेंटिफिकेशन गए हजारों साल से हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था, हमारे बदन पे था, हमारे चेहरे पर था, हमारे कृतियों पर था, हमारे भाषा पर था, हमारे व्यवहार पर था, हमारे सोच पर था। ये जो ब्राह्मणवादी आइडेंटिफिकेशन था, ये हिंदुत्ववादी जो आइडेंटिफिकेशन था, बाबा साहब को लगता था अगर इनको मैं धम्म की दीक्षा देता हूं और धम्म का ज्ञान अगर ये लेते हैं तो ये हिंदुत्ववादी जो आइडेंटिफिकेशन इसका त्याग करेंगे, ब्राह्मणवादी आइडेंटिफिकेशन जो इसका त्याग करेंगे, धम्म के संस्कृति का स्वीकार करेंगे और अपना जो आइडेंटिफिकेशन इस देश के अंदर अपने इनका आइडेंटिफिकेशन होगा वो धम्म का आइडेंटिफिकेशन होगा, धम्म की पहचान। मैं आपसे बड़ी नम्रता से पूछता हूं कि जिन्होंने धम्म का स्वीकार किया है क्या आइडेंटिफिकेशन है उनका? मुसलमानों का आइडेंटिफिकेशन होता है, क्रिश्चियनों का आइडेंटिफिकेशन होता है, सिखों का आइडेंटिफिकेशन होता है, जैनों का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हमने अगर धम्म का स्वीकार किया तो हमारा भी धम्म हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मगर 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, हम अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? इसलिए कि हम धम्म का स्वीकार तो किए मगर धम्म संस्कृति का स्वीकार नहीं कर सके। जहां तक के संस्कृति का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ज्यादा मैं दे नहीं सकता कि इसलिए डोगरा जी इधर बैठे। सभ्यता की मैं बात करता हूं, सभ्यता की जब बात करता हूं उस पर सोचता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के कॉलेज में लेक्चरर हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ ने चलाए हुए एक कॉलेज में लेक्चरर हूं मराठी का। 89 को मैं वहां लगा, मेरे कॉलेज में सबसे ज्यादा जो मेरे सहकारी है वो ब्राह्मण समाज से है, मगर सामने जब आते हैं तो उनको मैं कहता हूं जय भीम। तो उनको पसंद आए ना पसंद आए वो बोलते हैं जय भीम, और जब मैं आगे जाता हूं तो जानबूझकर पीछे देखता है तो वो देखते रहता है ऐसा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जानबूझकर, दैट्स माय आइडेंटिफिकेशन, जय भीम इज माय आइडेंटिफिकेशन। धम्म सभ्यता का आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो जय भीम है। तो जय भीम अगर धम्म सभ्यता का आइडेंटिफिकेशन है तो हमारे इटिकेट्स एंड मैनर्स, हमारे इटिकेट्स एंड मैनर्स की जब बात सभ्यता में आती है तो वो भी धम्म के अनुसार होनी चाहिए। जब भी मेरे किसी तो भी मित्र के साथ बात कर रहा था, धम्म का स्वीकार करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करते हैं, मगर अपने बच्चे को अगर स्कूल में भेजने की जब भी बात आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉन्वेंट या बाबा साहब अंबेडकर विद्यालय या बाबा साहब अंबेडकर महाविद्यालय में नहीं भेजते उनको, फिर आरएसएस ने चलाया हुआ कॉन्वेंट लगता है या किसी मिशनरी ने चलाया हुआ कॉन्वेंट और स्कूल लगता है। मैं मेरे कई सारे साथियों को पूछते रहता हूं कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है, नाम तो बाबा साहब का लेते हो, नाम तो धम्म का लेते हो, बच्चा कहां पढ़ता है? तो आरएसएस के कॉलेज में, आरएसएस के कुल में, आरएसएस के कॉन्वेंट में, जहां सरस्वती पूजन होता है, सावित्रीबाई फुले का पूजन नहीं होता। इसलिए कि वो सभ्यता को भी हमने स्वीकार है और नीतिमत्ता है, मॉरल वैल्यूज एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने ये भी देखा है कि कुछ भिक्षु क्या करते हैं, लोग जाते हैं उनके पांव पड़ते हैं, कुछ अपनी समस्या बताते हैं तो भिक्षु क्या करते हैं, और मैं फिर भंती जी को बोला कि भंती जी ये क्या है, यह अवडंबर जो है, अवडंबर धर्म में हो सकता है, अवडंबर धम्म में नहीं हो सकता। धम्म में इसलिए नहीं हो सकता कि धम्म का केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मनुष्य। एक प्याले में पानी बुलाते हैं और ये पी लो बोलते हैं, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये धर्म में हो सकता है, धम्म में नहीं। तो इसका मतलब यही है, ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता। तो मैं बोला आवाज के बराबर अगर गौतम बुद्ध इनके अंग में से भाग जाते हैं तो वो गौतम बुद्ध नहीं है, वो ईश्वर हो सकता है। किसी के अंग में अगर ईश्वर आता है और मैं जोर से चिल्लाता हूं तो ईश्वर पीछे पांव लगाकर भाग जाएगा, ये हो सकता है। धर्म में, धर्म में अवडंबर हो सकता है, धर्म में ढोंग हो सकता है, धर्म में झूठ हो सकता है,
धम्म में नहीं हो सकता, इसलिए कि धम्म बुद्धि प्रामाण्यवादी है, विज्ञानवादी है।